योगेश्वर से जानते हैं कि इनका अनुभव कैसा रहा, इस इतिहास का हिस्सा होना आपको कैसा लगता है, क्या यादें आपकी यहाँ की रही? बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ से हमारे, और तकरीबन बात यह है कि हर खेल के खिलाड़ी यहाँ पे अच्छे खिलाड़ी मिले। हमारे बहादुर सिंह को साहब हैं यहाँ पे, शक्ति सिंह होते थे, अनिल जी होते थे, अंजू बॉबी दास होती थी, कर्ण मलेश्वरी होती थी, उनको देख के अच्छा करने की प्रेरणा हमेशा मिलती रही। और आज के टाइम में और पहले के टाइम में दिन रात का फर्क है। अगर आप डाइट की बात करो तो एक बंद हुई डाइट थी, शाम को बस एक ही थैली दूध की मिलती। आज तो वो बोलते हैं कि कहने की बात है कि दूध की नदियां बहती हैं, खिलाड़ी को किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है आज के टाइम में। और यहाँ के जो अधिकारी रहे हैं वो बड़े अच्छे रहे हैं, ऐसे ही हमें बालगढ़ जो साई में जो मिला वो भी बड़ा एक परिवार की तरह प्यार मिला। ललिता मैडम हमारे सामने बैठी हैं, बड़ा इन्होंने एक अच्छा मोटिवेट किया खिलाड़ियों को। और मेरा मानना है कि ये मेडल जो बड़े हैं हमारे अधिकारी हैं, तो उन्होंने परिवार की तरह काम किया, एक अधिकारी के रूप में नहीं ये सोचिए काम किया कि ये मेडल हमारे आएंगे, हमारे बच्चों के आएंगे, इस देश के मेडल आएंगे, तभी ये हमारे साथ मेडल आए हैं।